नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर महापौर और नगर आयुक्त से मिला। निजी स्कूलों को गृह कर व जल कर से मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में आज सहारनपुर नगर निगम पहुँचा तथा महापौर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने बताया कि निजी स्कूल सामाजिक संस्थानों द्वारा गैर सरकारी संस्थान है जो कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए विद्यालयों को गृह कर व जल कर से मुक्त रखा जाए। इसके विपरीत कुछ विद्यालयों को कर से संबंधित नोटिस जारी हो चुका है। कुछ स्कूल संचालकों की शिकायत है कि स्कूल बाद में बना है, टैक्स भवन निर्माण से पूर्व का ही लगा दिया। हम सभी शिक्षकगण आपसे यह अनुरोध करते हैं कि मान्यता प्राप्त विद्यालय का गृह कर व जल कर मुक्त करने की कृपा की जाए जिससे कि इस महामारी में शिक्षकों को कुछ राहत मिल सके। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक, जिला अध्यक्ष के पी सिंह अमजद अली खान, एडवोकेट कंवरपाल सिंह, हंस कुमार, सराफत राणा, वजाहत अली, मोहम्मद परवेज कादिर आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और यहाँ आज हम ज्ञापन देने आए हैं। नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया गया है। हमारा कहना ये है कि सरकार को लॉकडाउन और कोरोना के चलते हुए स्कूलों पर टैक्स भेजना, हाउस टैक्स और जल कर का टैक्स भेजना पहले, जबकि तो वो संवैधानिक नहीं है। हमारे स्कूल आपका गैर सरकारी संस्थान है, एनजीओ के द्वारा संचालित है। संस्थानें जो है कभी भी संस्थाओं को टैक्स नहीं दिया लगा जाता, और सर उसके बावजूद भी अंधेर गर्दी इस कदर रही है विभाग की, उन बाबुओं को ये नज़र नहीं आ रहा कि स्कूलों में भी आप जो टैक्स भेजे जा रहे हैं। अब भी कोरोना काल चल रहा है, 8 महीने 10 महीने से तो पहले तो किसी स्कूल को फीस नहीं आ रही है, तनख्वाह नहीं दी जा रही है, बिजली के बिलों को माफ की बात कर रहे हैं, हम राहत पैकेज मांगने की मांग कर रहे हैं, ऊपर से सरकार जो अपना ये कर रहे हैं उसका हम लोगों ने आज घेराव किया है आयुक्त साहब का, और उन्होंने ज्ञापन दिया है, उन्हें हमें आश्वासन दे दिया कि हम अब जो है किसी भी स्कूल पर कोई टैक्स ग्रह कर और हाउस टैक्स जो जल कर जाए वो नहीं लगाया जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। इसके बाद वरना हम आमरण अनशन के लिए आए थे, धरना देने के लिए आए थे, लेकिन हमें ज्ञापन देने से आश्वासन मिल गया। अब हमने रखा कि 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते बाद यदि नहीं उन्हें हमारी बात को लिया गया, संज्ञान नहीं लिया गया, तो फिर धरना करेंगे हम लोग।